फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। आज के ट्यूटोरियल में हम दो तरीके के डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। साइज हमारा एक ही होगा, बट उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरीके के हम आपको क्रिएट करना बताएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमने एक 12-18 का ब्लैंक पेज ले लिया है। ये देखिए, मैं आपको साइज दिखाती हूँ। ये इसका साइज 12-18 है। अब इसमें हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम एक कलर फिल कर लेते हैं। इस वाले हम टूल पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। हम थोड़ा सा डार्क कलर ही लेते हैं। ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, ये देखिए, और कंट्रोल ऑल्ट के साथ हम इसको लाइट कर सकते हैं। ये हमारा इसमें कलर फिल हो गया। इसको हम इस तरीके से खींच के लाएंगे, इसमें ड्रैग करेंगे, छोड़ देंगे। ये हमारा पिक ओपन हो गया है। कंट्रोल ए एक्स कॉपी हो गया है, और डब्लू इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, हमारी पिक जो है वो इसमें पेस्ट हो गई है। कंट्रोल टी किया, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको छोटा बड़ा करेंगे। आज के हम इस वीडियो में 3 फोटोग्राफ लगाएंगे। इसको हम कंट्रोल एम से भी ब्लैक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें स्ट्रोक देते हैं। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे। ये देखिए, इमेज में गए, एडजस्टमेंट पे गए, और वो सॉरी लेयर में गए, लेयर स्टाइल में गए। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ, लेयर स्टाइल में गए। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रोक शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा स्ट्रोक ओपन होकर आ गया। इसमें हम जिस तरीके का कलर चाहे हम इसमें फिल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसी लेयर की हम एक और कॉपी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये देखिए, दूसरी कॉपी क्रिएट हो गई है हमारी। इसको हम वाइट करते हैं, कंट्रोल यू किया, इससे हम वाइट करेंगे। इसकी ओपेसिटी हम कीबोर्ड से यहाँ से भी कम कर सकते हैं, व्हाट हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह इसको, और शिफ्ट के साथ हमने इसको और इसको दोनों को हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल ई भी कर सकते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से हम इसको लेयर मर्ज, अब इसको हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ये हमारी लॉक हो गई है फाइल। एक और हम बॉक्स क्रिएट करेंगे यहीं पर। इसको कॉपी कर लिया हमने, इसमें हम क्लिक करेंगे, ये मैजिक टूल लेंगे, सेलेक्ट करा, इस पर कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल टी, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हम इसको शेयर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी पिक यहाँ पर सेट हो गई है। हम सेकंड पिक ले लेते हैं, तो भी हम उसी तरह से कंट्रोल ए एक्स डब्लू, इसको हम थोड़ा सा लार्ज और करते हैं। डब्लू टूल को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हम इसको सेट कर दिया।
हमारी लास्ट पिक रह गई है ये वाली। इसको हम इधर को टर्न कर लेते हैं, इसको हम कोई दूसरा डिफरेंट कलर देंगे फ्रेंड। ये इरेजर टूल है, इससे हम इरेज करेंगे जो भी हमारी एक्स्ट्रा फोटो है या एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है। ये देखिए हमने इसको इरेज कर दिया। यहाँ से जाकर के हम ओवरले करेंगे तो ये वाला इफेक्ट इसमें लग जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया, इसकी हमने डुप्लीकेट एक लेयर और क्रिएट करी, कंट्रोल टी किया, ये हमारी लेयर, इसको हम कंट्रोल यू करके वाइट करेंगे, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे ऑल्ट के साथ, इसको कॉपी कर लिया हमने, को भी हम ओवरले करते हैं। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं, 6% करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा पहला डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। इसको बहुत ही इजी है बनाना। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, इसी में सेव करते हैं जिसमें हमारी फोटोग्राफ है। ये वाला हमारा सेव हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम दूसरा डिजाइन क्रिएट करते हैं इसी में। ये सब कुछ हम हटा देते हैं, ये हम इस पर क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ये देखिए फ्रेंड ये वाला डिज़ाइन हमने अभी क्रिएट करके आपको दिखाया। अब हम बच्चे वाला डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ये बेबी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है पिक में ओपन होने में, हम इसको कंट्रोल एस, अगर हमारी कोई भी पिक नहीं खुलती है ओपन नहीं होती है तो हम इस तरह से करेंगे, ओपन विद में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये मोबाइल के फ़ोटो भी ज़्यादातर नहीं खुलते हैं, कभी कभी हम जब बनाते हैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे। अब देखिए ये वाली पिक हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड हो गई ओपन। तो चलिए ठीक है, साइज हमारा वही है देखिए फ्रेंड 12x18। डिजाइन हम इसमें दूसरा क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया, जी टूल प्रेस किया ये वाला, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से एक ग्रीन कलर हम ऑल्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, ये वाला कलर इसमें फिल हो गया हमारा। दूसरी वाली पिक भी हम ले आते हैं अपनी, पहले तीनों पिक लाकर यहीं पर रख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डिजाइन क्रिएट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड तीनों पिक हमने ओपन कर ली हैं, अब हम इसको एक नए डिजाइन में बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कुछ और सीखना है, कुछ और मुझसे पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वाली पिक को हम थोड़ा सा रोटेट करके लगाएंगे इस टाइप से। इसको हम बॉक्स में भी डाल सकते हैं, फैदर में भी लगा सकते हैं, देखते हैं कैसा अच्छा लगता है। ये हमारा फैदर में ज़्यादा क्यूट नहीं लग रहा है, इसको हम बॉक्स में ही दिखाते हैं। ये हमने फ्रेंड एक बॉक्स ले लिया है, या फिर हम इसको राउंड में दिखाते हैं। ये हम इसमें इस तरह से एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये देखिए हमारा ये फ्रेंड, ये सर्कल हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमारी केवल वन पिक बची है, हम इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा हमें वक्त लगता है सीखने में। आप मेरे डिजाइन को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसको हम शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड का कलर ही ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर हम कोई और डिज़ाइन डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा ये सेकंड वाला डिज़ाइन बनकर भी तैयार हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो गई, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।